हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो जैसे कि अपना मैथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है क्रेजी जी के ट्रिक पे, इसमें से हम पहला चैप्टर अपना डिस्कस कर चुके हैं जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन पे था। तो मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन के सारे टाइप एक सिंगल वीडियो में देखे थे। एक सिंगल वीडियो मैंने जाना कि रेशियो एंड प्रपोर्शन से एग्जामिनर के दिमाग में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और आगे कितने बन सकते हैं। वैसे ही आज अपनी सेकंड क्लास होने वाली है, लेक्चर टू होने वाला है परसेंटेज पे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे परसेंटेज के वो सारे टाइप जो कि एग्जामिनर अपना क्वेश्चन बनाता है, वो कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। अगर इसमें से कोई ये सबसे ज्यादा किसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है तो मैं उसके लिए बात कर लूं, तो ये रिवीजन पर्पस से जो बंदा इसको देखेगा वो इसका एक अत्यधिक लाभ उठा पाएगा। जैसे सपोज दैट आपका एक सप्ताह बाद एग्जाम है, आपका चार दिन बाद एग्जाम है, आप चाहते हो कि परसेंटेज आपका वीक था, आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, एक परसेंटेज में आपको सिर्फ कितने टाइप देखने चाहिए, तो वो आए सिर्फ इस वीडियो को देख ले और अपना कंप्लीट परसेंटेज रिवाइज कर सकता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात नहीं होने वाली है। अगर बिगिनर इसको देख रहा है तो इसको देख के वो इसमें से जज ना करे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो परसेंटेज में अगर इस वीडियो में वो आया है तो यहाँ से वो इतनी सी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि परसेंटेज में उसको पढ़ना कितना है, कितने टाइप बेसिकली परसेंटेज में पढ़ने होते हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं। तो वो चीज मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए रहने वाली है? तो रिपीटर्स के लिए, यानी कि जिसका एग्जाम है रिविजन पर्पज से रामबाण रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम जान लेंगे अपने कि कितने टाइप वो पूछता है, फिर उसके बाद हम ये सारी की सारी चीजें अपना क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। एक टाइप का एक क्वेश्चन, फिर ऐसे ही कर करके मैंने सारे टाइप कवर कर लिए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ है। परसेंटेज मतलब ये वीडियो बस वन शॉट वीडियो होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी इसका अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शुरुआत का टाइप प्लेस से अंतिम टाइप तक ये वीडियो चलने वाली है, बस इतनी उम्मीद करना। अगर कोई इसको देखने आया है तो इसको देखना, कंप्लीट देखना, तभी आप इसका फायदा समझ पाओगे, और या फिर आप बिल्कुल भी मत देख, क्योंकि एक दो टाइप से आपको कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है, आपको कंप्लीट ही देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं परसेंटेज से अपने कितने टाइप पूछते हैं अपने एग्जाम में। वो कोई भी एग्जाम हो, अगर परसेंटेज आता है तो इतने टाइप से ही अपने क्वेश्चन बनते हैं। तो वो वन बाई वन चीजें मेरे भाई सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी। तो पहला टाइप जो होता है परसेंट इंटू फ्रैक्शन का होता है, और दूसरा टाइप अपना होता है फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज का। तीसरा टाइप अपना मेरे भाई क्या पूछता है? तो वो इनवर्स रूल से पूछ लेता है। ये अगर अभी आपको रूल नहीं समझ में आ रहा, अभी क्वेश्चन से एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप खुद ही सोचोगे, देखोगे, हाँ सच में मैं परसेंटेज में पढ़ता ही हूँ, इतनी चीजें हूँ बस। तो ये चीजें आपको मिलने वाली। फिर अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर, फिर सक्सेसिव चेंज आएगा। सक्सेसिव चेंज से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछता है? तो आपसे एरिया में पूछ लेता है, वैल्यूम में पूछ लेता है, नंबरों में पूछ लेता है सक्सेसिव चेंज, पॉपुलेशन में सक्सेसिव चेंज पूछता है, सैलरी बेस्ड के क्वेश्चन में ये सक्सेसिव पूछ लेता है, और जो अदर टाइप बनते हैं सक्सेसिव के उसमें भी कुछ पूछे जाते हैं। फिर ए मल्टीप्लाई बी बराबर कॉन्स्टेंट होता है या चेंजमेंट रहता है, प्राइस एंड कंजम्पशन इसी में आता है, यानी कि चीनी और चावल वाले क्वेश्चन भी इसमें से मिलने वाले हैं। फिर पॉपुलेशन टाइप टू में क्या चीजें होती हैं, तो क्वेश्चन से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं बताऊं, एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का पूछा हुआ डिट्टो क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया बिना डाटा चेंज किए हुए, और वैसा ही सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके सीएचएसएल मेंस में पूछा गया। ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2023 की बात है, आप इसको देख सकते हो। फिर इलेक्शन 2023 के जितने एग्जाम हुए, 2023 के एग्जाम में अगर एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा चैप्टर रहा है तो वो इलेक्शन रहा। इलेक्शन से उसने ना जाने कितने कितने क्वेश्चन बना दिए। तो इलेक्शन पढ़ेंगे, फिर पास एंड फेल पढ़ेंगे, टैक्स कमीशन पढ़ लेंगे, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, और फिर जिनको मैं किसी भी टाइप में नहीं रख सकता था उनको मैंने मिसलेनियस में अपना डाल दिया। तो आज की क्लास अपनी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। अब स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, और बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल पहले टाइप पे। बोला अनाज के किसी भंडार में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है?
एक बटे आठ सड़े हुए का मतलब क्या हो गया बोलोगे, आठ में से एक भाग सड़ा हुआ, यानी कि कुल भाग अपना कितना है, टोटल भाग कितना है बोलोगे, टोटल अपना आठ यूनिट है। तो जो अपना सड़ गया भाग है यानी सड़ा हुआ भाग कितना है, एक यूनिट है। तो अपना जो सड़ा हुआ भाग नहीं है वो कितना है, जो सड़ा हुआ नहीं है, जो सड़ा नहीं है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा बोलोगे, से आठ था एक सड़ गया तो आठ माइनस एक यानी सात सड़ा हुआ नहीं। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो जब आपको परसेंटेज निकालना है, नहीं सड़े भाग का निकालना है, तो सड़ा भाग कितना नहीं है, सात, टोटल कितना है आठ, गुणे हंड्रेड करेंगे। जैसे आपको पता होगा एक बटे आठ कितना होता है, साढ़े बारह परसेंट होता है, साढ़े बारह परसेंट होता है। वैसे ही अगर आप सात बटे आठ डायरेक्ट निकालना चाहते हो, निकाल लोगे कितना आ जाएगा अपना 87.5%। तो 87.5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक में दिया होगा। आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज आप देख लिया। अब आ गया अपना क्या, इनवर्स रूल। यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। एक रामू है और एक बंदा अपना भीम है। कौन है मेरे भाई बोलोगे, रामू है और भीम। रामू का वेतन जो है भीम के वेतन से 10% कम। भीम का वेतन अगर 10 यूनिट रहा है तो रामू का वेतन कितना रहा हो बोलोगे, 9 यूनिट। क्योंकि 10% की फ्रैक्शन आपको पता होगी 1/10 होती है, 1/10 होती है। तो कह रहा है भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है बोलोगे, रामू के वेतन से। तो रामू 9 है, भीम 10 है, कितना ज्यादा है बोलोगे, 1 यूनिट ज्यादा है। रामू से यानी बेस वैल्यू अपनी 9 हो गई, गुड़े 100 करा देंगे यानी 100/9%। 100/9% कितना होता है अपना, 100/9% होता है 11.11%। बोलो क्लियर हो गया, ये इनवर्स रूल था। अब आगे मैं अगर बात कर लूं, सबसे पहले जैसे आप लोग क्रेजी जीके ट्रिक के माध्यम से मंथली पढ़ते थे करंट अफेयर, वैसे ही बहुत वेट था आप लोगों को कि अपनी ये मैगजीन कब आने वाली है। तो क्रेजी जीके ट्रिक ने करंट अफेयर का शंखनाद मैगजीन बिल्कुल अपने नए साल में लॉन्च कर दिया। तो ये अपनी मैगजीन आप देख सकते हो, करंट अफेयर शंखनाद, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के बेहद इंपॉर्टेंट करंट डिस्कस किए गए हैं। इसमें से आपको मिलने वाले हैं डिटेल्ड करंट अफेयर, जैसे कि अपने वीडियो में आप देख के जान ही सकते हो कि अपने डिटेल करंट अफेयर रहती है, वो सारी की सारी चीजें अपने इसमें डाले गए विद इमेज के थ्रू। और फिर इसमें आपको 1000 एमसीक्यू मिलेंगे, यानी जो आप पढ़ेंगे उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू। और फिर इसमें 500 वन लाइनर के थ्रू आप एग्जाम के एक दो दिन पहले सारा का सारा रिविजन कर सकते हैं, उसमें से वन लाइनर भी डाले गए हैं। अब ये बुक अपनी कहां पे मिलने वाली है, तो अमेजॉन से या बुक स्केप से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये चीजें अपनी करंट अफेयर का मैगजीन, यानी कि बेहद शानदार रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। यानी कि जैसे ही आप देखते हो आपका एग्जाम जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में है या अप्रैल में, 2024 के अगर मैं आप में एग्जाम है और आप करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आपको ही पता होगा अपने वन डे एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज कितना अच्छा होता है, वो आप एसएससी का एग्जाम दे लो या फिर अपना पुलिस का एग्जाम दे लो। और इधर अपना मैथ फाउंडेशन कोर्स है अरिथमेटिक प्लस एडवांस का, जो कि अपना 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में अपनी जो मेन फोकस रहने वाला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी किसी बंदे को अगर मैथ आती भी नहीं, मैथ उसको कुछ भी पढ़ना लिखना जानना बोलना पहचानना मैथ का नहीं आता है, वो इस बैच में अगर इनरोल करेगा तो मैथ में एक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बन के जाएगा। और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको एग्जाम में किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो इसमें मिलने वाला है। प्रैक्टिस सीट आपको, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, वो मैंने लेवल वाइज बना दी, पहले अपना आसान लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर अपना डिफिकल्टी लेवल। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप जीरो से बिल्कुल टॉप लेवल मैथ में पहुंच गए हो। क्लास नोट्स कंप्लीट मिलने वाले हैं, ये ऐप अपना रूट एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एक साल की पूरी वैलिडिटी इसके साथ रहने वाली है इस बैच में। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। लिखा हुआ जैसे अभी सिंप्लीफाई बेस्ड पूछता है, तो इसको आप देख लो, 1750 का मतलब गुणा होता है, तो गुणा 20% लिख लो, 20/100, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं, 100 लगाते हैं। गुणा 10%, तो 10/100 सॉल्व करेंगे, ऊपर तीन जीरो हैं, तो तीन जीरो से हम सबसे पहले तीन जीरो काट देते हैं।
अब 175 दुना कितना हो जाएगा, 350। 350 को अगर डिवाइड करा देंगे कितना आ जाएगा, 35 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई टाइप पूछता है, वो मैंने दिखा दिया। ये अब जो आता है ये बहुत अच्छा है, इसको जैसे मैंने रेशियो में आपको बताया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी योगांतरा अनुपात का नियम, उससे करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। देखो लिखा हुआ जैसे एक्स माइनस वाई का 85% और इधर कितना है एक्स प्लस वाई का 35%। इसको सॉल्व करने सबसे पहले परसेंटेज से अपना परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 7 बार में और 5 से काट देंगे इसको 17 बार में। तो अब अपना क्या आ जाएगा, तो अब अपना आ जाएगा बोलो x प्लस वाई ऊपर रखते हैं और x माइनस वाई अपना नीचे रहते हैं। जब ऐसा है तो आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई से, उससे भी आप आंसर निकाल लोगे। और अगर यहां से आप देखोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो से तो x अपॉन y बराबर कितना आ जाएगा, 17 और 7 24, 17 में से 7 जाएगा 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 12/5। आपसे अब क्या कह रहा है, तो y x का कितना परसेंट है, y कितना है 5, x का कितना परसेंट है, तो x 5/12 गुणे 100 करेंगे, 5/12 गुणे 100 करेंगे अपना 500/12 आ जाएगा। और 500/12 ये ऐसे ऑप्शन लिखे हुए हैं, 500/12 इसको करोगे 4 बार में जाएगा 48, 2 बचेगा तो 41 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 41 सही 2/3%। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जैसे ही है आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना है। मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो का कि आपको मैं ये चीजें दिखा पाऊं कि एग्जामिनर पूछता कहां से है। आपको देखना है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट की वीडियो देख सकते हो, तब अपना वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर आप अपने एग्जाम में जाओ। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की जाती है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव कितना है। नहीं, आपको पता होना चाहिए जो राजस्व होता है वो किस पे डिपेंड होता है। तो बोलोगे जो राजस्व होता है वो किस पे होता है, कीमत होती है और उस कीमत की कितनी बिक्री हो रही है, कितनी बिक्री हो रही है, यानी कितना आप ये एक टिकट, जैसे टिकट मान लेते हैं कोई टिकट 20 रुपए की है, अब 5 लोग उसमें से आए तो टोटल राजस्व कितना इकट्ठा होगा, 20 रुपए, 1 से तो 5 से 100 रुपए, तो राजस्व अपना 100 इकट्ठा हुआ। तो यहाँ पे अपना जो राजस्व होगा वो कीमत इनटू बिक्री पे डिपेंड करता है। वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ गई, 10% की कमी यानी पहले कोई चीज 10 की रही तो अब वो कितने की मिल पा रही है, 9 की मिल पा रही है। दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि यानी कोई चीज 5 की रही कितने मिलने लगी, 6 में मिलने लगी। अब राजस्व में चेंजमेंट देख लेते हैं, बोलोगे कोई चीज अब इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 50/ कितना आ जाएगा, 54। 50/54 यानी पहले राजस्व अगर 50 यूनिट इकट्ठा होता था तो अब राजस्व कितना इकट्ठा होने लगा, 54 यूनिट। तो राजस्व में इंक्रीमेंट कितना आ गया, बोलोगे 4 यूनिट का इंक्रीमेंट है, कितने पे, 50 पे, गुणे 100 कर देंगे तो 50 × 100 आ जाएगा, 4 × 2 = 8, इसको काटेंगे इससे 2 बार में तो अपना कितना आ जाएगा, 8%। तो 8% मेरे भाई इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे अपना देखते हैं नया कॉन्सेप्ट क्या आता है। पेट्रोल की कीमत में 95 से 110 रुपए लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत को कितना, कितने प्रतिशत कमी किया जाना चाहिए ताकि उसका खर्चा उतना ही रहे, यानी प्राइस एंड कंजम्पशन पे आ गया। तो मैंने कहा इसका खर्चे की बात हो रही, खर्चा उतना ही रहता है, खर्चा कितना है, उतना ही रहता है। पहले भी अगर खर्चा 1 यूनिट करता था तो आज भी 1 यूनिट कर रहा है। कीमत में क्या हो गया, पहले कीमत अगर 95 थी तो अब कीमत कितनी हो गई, 110 हो गई। पहले कंजम्पशन मान लेते हैं खपत C1 रहता है तो अब खपत कितना होने लगा, C2 होने लगा। बोलो क्लियर हो गई चीजें, कोई दिक्कत नहीं आ तक। अब इसको अगर 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से इसको काट लें तो 22 बार में, C1/C2 कितना आ जाएगा अपना, 22/19। यानी पहले अगर वो 22 यूनिट की खपत करता था, अब कितने यूनिट की खपत कर रहा है, वो 19 यूनिट की खपत कर रहा है। तो 22 से 19 आ गया, कितने की कमी कर दी, बोलोगे 3 की कमी कर दी। तो 3 की कमी कर दी उसने 22 पे, गुड़े 100 कर देंगे तो 300/22 आ जाएगा। तो 22 + 22 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, चलो पहले 11 से इसको 50 कर लेते हैं, 150/11। तो 150/11 को आप करोगे कितना आ जाएगा, 4 × 33 बचेगा, 7 × 66 = 66, 13.64 इसका करेक्ट आंसर। यानी कि उसके कंजम्पशन में इसको 13.64% की कमी करनी पड़ेगी। समझ में आ गया।
अब इसको जैसे कि आप एक चीज करते हो, मुझे पता है आपके कॉन्सेप्ट अलग हो सकते हैं, आप इसको अलग टाइप से कर सकते हो, लेकिन मेरा इस वीडियो का सेम उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं उस टाइप से रूबरू करा दूं, आपके सामने वो टाइप रिप्रेजेंट कर पाऊं, आपको जिस टाइप से इसको करते हो आप उसी टाइप से उसको करना। आप ये नहीं कि मेरा टाइप देख के आप परेशान हो जाओ कि ये तो ऐसा करता है मुझे भी ऐसे करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट आपके साथ रहने चाहिए, बस उसी पे आपकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो एग्जाम हॉल में भी आपको वही ध्यान में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो जैसे कि कहा कि इसको डायरेक्ट लोग कैसे करते हैं जब उसका खर्चा सेम होता है, तो होता है जो कीमत का रेशियो होता है, जिस रेशियो में अपना कीमत में चेंजमेंट होता है, ये 95 से 110 हुआ, ये कीमत में चेंजमेंट होता है, तो खपत में चेंजमेंट इसका रिवर्स हो जाता है। ये आप कब लगाते हो, ये आप तभी लगाते हो जब क्या होता है खर्चा सेम रहता है, तो आप ऐसे करोगे तब भी आंसर वही आएगा। देखोगे इसमें से इतने कमी आई, 110 पे गुणे 100 कराओगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे आपके सामने एक क्वेश्चन रहता है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चे में वृद्धि ना हो, खर्चा कैसा रहे सेम रहे। तो ये क्वेश्चन आप लोग करो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट और तुरंत करके कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर रहा। आगे देखते हैं, आगे एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 रुपए है, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी। इनकम एक्सपेंडिचर का एक शानदार तरीका है, एक शानदार टाइप है ये। अब जैसे उसकी आय कितनी रहती है 95,000, आपको पता होगा आय बराबर क्या होता है अपना, बोलोगे आय बराबर होता है व्यय यानी कि खर्चा प्लस बचत होती है, खर्चा प्लस बचत होती है भाई। तो आय कितनी है अपनी 95,000 है, तो 95,000 जब आय हो गई तो खर्चा कितना रहा 75,000 रहा, और बचत कितनी हो जाएगी इसकी 95 में से 75 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 इसकी क्या आ जाएगी बचत। अब अगर हम खर्चा और बचत का रेशियो बना ले तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 75 और रेशियो कितने का 20 का आ जाएगा, 75-20 का रेशियो, बोलोगे क्लियर है कि 75 और 20 का आ जाएगा। और अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 15 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4 बार में, 15:4 इसका रेशियो आ गया। अब कह रहा है 15:4 कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे 15:4 का है। तो जब 15:4 का है और उसके आय में 18%, आय में एलिगेशन लगाएंगे इसमें, आय में से 18% है, तो आय में से जब 18% है यानी 18% हम बीच में रखेंगे, और अपना व्यय में 12% यानी कि 12% यहाँ रखेंगे, और इसमें से खर्चे में व्यय में इसमें बचत में कितनी वृद्धि हो रही है अपन नहीं पता। ये अपना क्या है, देखो ये अपना क्या है, बचत है, ये अपनी बचत है, ये अपना व्यय है, तो ये होगा। अब सॉल्व करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, 18 में से 12 जाएगा, बोलोगे 6 बचेगा, अब ये इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा रहोगा, x माइनस 18। अब रेशियो अगर सीधे सीधे बताना चाहें तो x माइनस 18 बटे 6 बराबर 15:4। सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ये इधर जाएगा 45, ये इधर जाएगा 36, 36 और 45 अगर जोड़ देंगे, 45 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा अपना 80, 80 और एक 81/2x, तो 81/2x आ जाएगा क्योंकि 2x रहेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 81/2, 81/2 अपना कितना होता है 40.5। यानी मेरा उद्देश्य, मैं बार बार आपको यही भी समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो मेन टारगेट होगा वो टाइप पे होगा, ना कि सोल्यूशन पे होगा। आप मेरे सोल्यूशन देखना चाहते हो, आपको लगता है मेरे सोल्यूशन आपको अच्छे लग रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, तभी अप्लाई करना इनको। और ये मेरी कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे पड़ी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हो इसको। आगे बढ़ेंगे, एक संख्या में 8% की वृद्धि होती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी होती है, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी है। ये है अपना सक्सेसिव चेंजमेंट का, सक्सेसिव चेंजमेंट का एक टाइप है। जैसे संख्या में 8% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हुई, जब x% की वृद्धि होती है, जब x% की कमी होती है मेरे भाई, तो सदैव अपनी कमी आती है, और वो कमी कितनी आती है, कमी आती है x square upon 100% की। x कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64/100% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.64%। तो 0.64% इसका करेक्ट आंसर है, 0.64% की कमी, सदैव कमी आती है जब x% की वृद्धि हो, x% की कमी हो।
या फिर आप इसको और कैसे तरीके से कर सकते हो, तो मान लो आपकी पहली संख्या कभी 100 रही होगी, 100 रही होगी तो पहले मैंने 8% की वृद्धि करी, यानी कितने कर दी, 108 कर दी, 8% की वृद्धि कर दी, 108 कर दी, फिर 8% की कमी कर दी, यानी कितनी कर दी, 92/100। सॉल्व करेंगे, देखेंगे अपना आंसर अपने चरणों में होगा तो इसका आंसर निकाल लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कितने की कमी हो रही, कितने की वृद्धि हो रही है। आगे करेंगे, आगे लिखा हुआ है एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है, सेम टाइप आप निकालो आंसर, कमेंट बॉक्स में छापो। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो लिखा हुआ है श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 मासिक बचा पाते हैं, उसकी मासिक आय क्या है। 15% देखो मान लेते हैं मिस्टर शर्मा की कुल आय एक्स रही होगी, एक्स रही होगी, 15% इन्होंने खर्चा कर दिया, बोलोगे 85% बचा लिया, 85% बचा लिया, फिर 75% अन्य खर्चों पर खर्च कर दिया तब भी इतना बचाया, यानी 75% और खर्च कर दिया फिर बचा कितना उनके पास, 25%, 25% यानी 1/4, और इनके पास बचा कितना है, तो इनके पास बचा है 1700 रुपए। सॉल्व करेंगे, 17 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 4 दुनी 8 80, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8000 रुपए, 8000 रुपए की बचत, एक्स 8000 रुपए इनकी कमाई रही, 8000 रुपए इनकी कमाई रही। ये सारे के सारे टाइप आपको देखने हैं, सोल्यूशन नहीं टाइप देखना है, और फिर जिस टाइप में आपको वीक लग रहा हो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये टाइप आपका वीक है, तो आप उसकी कंप्लीट वीडियो देखो और उस पर प्रैक्टिस करो, यही वीडियो आपको सिखा सकती है। आगे करते हैं, आगे संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या, संख्या कितनी है तो 350 है, इसमें से 20% की वृद्धि यानी कि 6/5, 20% 1/5 होता है तो 6/5, 25% की कमी 1/4 यानी 4 पे 1 की कमी यानी 3/4। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, देखो 5 से कटेगा ये 70 बार में, 5 से 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा ये 35 बार में, तो ये 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 त्रिका 9 35 और 9 9 27 270, 270 में से अपना 45, 270 और 45 कितना हो जाएगा 315, तो 315 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपन भाई। आगे बढ़ेंगे, ये सारे के सारे आप टाइप देख लो, एक लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर इतने से इतना हो गया तो मूल्यह्रास की वार्षिक दर बताओ। अब इसको कैसे टैकल करते हैं वो चीज देखना, 3 वर्ष में इतना था इतना हो गया, यानी कि पहले उसका कितना था 1131,000, अब कितना हो गया 729,000। अगर रेशियो की बात कर ले तो ये आ गया, 3 वर्ष का ये दिया हुआ है, 1 वर्ष को निकालने के लिए इसका क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, यही करते हैं, क्यूब रूट निकाल देंगे, 1131 किसका होता है 11 और 729 किसका होता है 9, यानी कोई चीज 11 से 9 हो गई, यानी कितने कमी है, 2 की कमी, 2 की कमी कितने पे है 11 पे, 2/11 अपना कितना आ जाएगा, अपना बोलोगे 2/11 होता है 18.18%, 2/11 कितना होता है 18.18%। टाइप देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे है एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% छात्र जो रहे वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले ये वेन डायग्राम का अपना क्वेश्चन है, बना लेते हैं अपने दो गोले, इसमें से एक क्या है अंग्रेजी का है, एक अंग्रेजी का है और एक मैथ का है, दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 15%, दोनों में मैंने कहा 15% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 60% गणित में, 15 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 45, टोटल 20% है, यहाँ पे 5 आ गए तो यहाँ 15 आ गए तो यहाँ कितने बचेंगे 5 बचेंगे, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। उस छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ये तो अनुत्तीर्ण का आ जाएगा कितना 15, 5, 20 और 20 कितना 65, ये टोटल कितना आ जाएगा 65% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी में अनुत्तीर्ण है, तो अपने पास बोला है उत्तीर्ण का बताओ, 65% अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने बचेंगे अपने 35% बच जाएंगे। क्लियर हो गई चीजें, ये था अपना पास फेल का। आगे एक टाइप और पास फेल का देखेंगे, वो चीज आ गया, देखो लिखा हुआ एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य उम्मीदवार जो 78% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, 40% नहीं 40 अंक अधिक होगा, ठीक 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक कितने होंगे, 50% अंक प्राप्त करता है यानी कि उसको 50% अंक तो मिले
लेकिन वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसको 100 अंकों की और जरूरत है। बराबर 78% अंक उसको प्राप्त हुए, तो 78% अंक प्राप्त हुए, लेकिन वो 40 अंक ज्यादा ले आया, यानी इससे 40 अंक छीन लो तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब ये भी जो पास होने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो है आपके पास, पास होने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो है आपके पास। यानी ये ज्यादा लेके, ये कम लेके आ रहा था तो इसको जरूरत थी 100 नंबर की, ये ज्यादा लेके आ रहा था यानी इससे 40 नंबर छीनने की जरूरत थी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78 में से 50 जाएगा बच्चे कितना 28%, 28% बराबर 100 में से 40 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 140, तो 28 यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपसे बोला अधिकतम अंक कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 500, ऑप्शन डी। तो एक आपसे पास एंड फेल का टाइप वो पूछता है और एक पास एंड फेल का टाइप आपसे ये पूछता है, तो ये दो चीजें होती हैं पास और फेल की। आगे बढ़ेंगे, आगे अपन भाई एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं, पहले छात्र पहले विषय में 75% और दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है, उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए, तो बताओ तीसरे विषय में किसने। अब ये आ गया अपना वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, तो वेटेड एवरेज तो इसको करेंगे। देखो सबसे पहले 100-100 के 3 विषय हैं, यानी कि 100 का विषय ये भी है और 100 का विषय ये भी है और 100 का विषय अपना ये भी है मेरे भाई। अब देखो ये तीनों का हो गया, अगर इनका हम रेशियो निकाल लें तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 1:1:1 का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेटेड एवरेज बेहद शानदार कॉन्सेप्ट होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले विषय में 75% यानी इसमें से उसने 75% अंक हासिल किए, इसमें से उसने 86% हासिल किए, मैंने कहा इसमें से उसने एक्स हासिल किए होंगे। वेटेड एवरेज सबसे पहले क्या कहता है, कुल योग बटे कुल संख्या, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे यानी 75 × 1 करेंगे तो 75 आ जाएगा, प्लस अपना 1 × 86 करेंगे 86 आ जाएगा, प्लस 1 × x करेंगे तो x आ जाएगा। टोटल कितने हैं, 1, 2, 3 है, तो 3 से भाग करा देंगे, टोटल कितने पा रहे हैं वो लोग 68% कुल अंक पा रहे हैं। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, इधर जाएगा कितना 180 और 24 कितना हो जाएगा 204, माइनस इसका गुणा इसके साथ करा है, यहाँ 6, 5, 11, 8, 7, 15, 116, 161। एक्स बराबर कितना आ जाएगा अपना 3 और 9 में 6 जाएगा, नहीं 4 में 1 गया 3, 10 में 6 गया 4, 43% इसका करेक्ट आंसर, 43% आ गया। ये वेटेड एवरेज का एक शानदार टाइप होता है, तो इस चीज को आप देखो, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना, यही टाइप अपने एग्जामों में पूछता है, वो बार बार पूछता है, बस इस चीज से आपको रूबरू करवाना मेरा एक उद्देश्य है। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में 5% घट गई, दूसरे वर्ष में जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या बताओ। देखो मान लो कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही उसकी x, ये सारा का सारा सक्सेसिव टाइप अपना चल रहा है, x 5% की वृद्धि हो गई यानी 20 पे 1 की वृद्धि 21/20, 5% फ्रैक्शन 1/20 होती है अपन भाई, पता है ना 5% फ्रैक्शन 1/20 होती है। दूसरे वर्ष में यह 5% घट गई यानी कि 20 पे 1 घट गई यानी 19/20 हो गई, तो अब कह रहा है जनसंख्या कितनी है 9975 यानी कि 9975 है। सॉल्व करेंगे अपना आंसर निकाल पाएंगे, 19 से काट लेते हैं 5 बार में, 19 × 5 = 95 बचा 4, 19 × 2 = 38 कितना 47 में से 38 गया 9, 19 × 5 = 95, 525 21 से काटेंगे 21 × 2 = 42 और 21 × 5 = 105, 4 यहाँ यानी कि 400 × 25 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 10,000, 10,000 क्या आ जाएगी उस गांव की जनसंख्या रही होगी 2 साल पहले, 10,000 ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। ये पॉपुलेशन टाइप जो आपसे पूछता है। आगे देखो अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन क्या कह रहा है, एक कस्बे में 5500 लोग हैं, नहीं पॉपुलेशन का दूसरा टाइप सॉरी, 5500 लोग हैं जो एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं, यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या में 11% और महिला मतदाताओं की संख्या में 20%, तो मतदाताओं की संख्या इतनी हो जाती है 6330 हो जाती है, कस्बे में क्रमशः महिला और महिला मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या बताओ क्या है। यही वो जो पॉपुलेशन टाइप टू, ये वही है। देखो सबसे पहले जो 5500 लोग हैं एक गांव में, एक गांव में कितने लोग हैं बोलोगे 5500 लोग हैं मेरे भाई, तो मेरे भाई जब गांव में 5500 लोग हैं और इस गांव में रहेगा कौन, तो मेल और फीमेल रहेंगे, यानी कि मेल रहेंगे और फीमेल रहेंगे, मेल में 11% का इंक्रीमेंट हो रहा है यानी 11% की बढ़ोतरी हो रही है, फीमेल में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो मैंने कहा 20% की बढ़ोतरी हो रही है,
अब एक चीज आप बस हमें बता देना, वहीं से क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। 11% अगर ये बढ़ रहा है तो मैं कहूं अगर ये भी तो 11 बढ़ सकता है, 11+9 लिख सकते हैं इसको, बोलोगे बिल्कुल सही। हम अगर अपनी ये बात करें कि अगर ये 11% ही दोनों बढ़े होते तो कितना बढ़ जाते, 5500 का 11% निकाल लेंगे, 5500 का 11%, तो आपको निकालना होगा 5500 का 11%। तो आप यहां से देखोगे 5500 का 11% कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55 आ जाएगा, और 11 × 5 = 55 और 5 कितना हो जाएगा, 55 × 5 = 60, तो 605 बढ़ेगा। कितना बढ़ना चाहिए, 605 बढ़ना चाहिए, और हो कितना रहा है, 6330। 5500 से 6330 होने में कितने की बढ़ोतरी आई, आप देखोगे कि यहाँ से जो बढ़त हो गई है 5500 से 6330 तक, ये कितने की हो गई, 0, 3, 4, 5 = 8, 830 की। कि मैंने कहा अगर 11% बढ़े होते तो वो 605 हुए होते, 11% बढ़ता तो 605 होता, लेकिन ये बढ़ कितना रहा है, 830। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से आ रहा, बोलोगे क्योंकि अभी फीमेल का यानी महिलाओं का 9% हमने लिया ही नहीं, महिलाओं का 9% लिया ही नहीं। तो अगर सिंपल सा बोले तो फीमेल का 9% किसके बराबर होगा, बोलोगे फीमेल का जो 9% होगा ये 830 माइनस 605 के बराबर होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, ठीक है, 225 बच जाएगा। 9% की वैल्यू 225, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 25 × 9 = 225। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी फीमेल 100% कितनी आ जाएंगी, 2500। टोटल लोग कितने थे, बोलोगे टोटल लोग अपने पास 5500 थे, 5500 टोटल लोग थे, उसमें से 2500 अगर फीमेल हो गई तो मेरे भाई मेल कितने बचे, बोलोगे 5500 माइनस 2500 यानी कि 3000। तो 3000 अपने पास पुरुष हैं और 2500 अपने पास महिलाएं हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लो कि आप इसी तरीके से करना चाहोगे या आप कोई दूसरा तरीका लगाना चाहोगे वो भी आप कर सकते हो, बेसिक से इसको आप और शानदार तरीके से कर सकते हो, कोई परेशानी उसमें होगी नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे देखो आ गया चुनाव का क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ कितनी है। 75% एक बंदा प्राप्त कर रहा है, टोटल मत 100% में है, दूसरा बंदा कितने प्राप्त कर रहा होगा, बोलोगे 25% प्राप्त कर रहा है। कितने परसेंट से जीत रहा है, 50% से जीत रहा है, तो 50% से जीत रहा है, ये कह रहे 50% नहीं है 520 मतों से जीत रहा है, तो 50% की वैल्यू 520 है, तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कुल संख्या बताओ डाले गए मत, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1040। 1040 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्शन का एक आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 10% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे जिन्हें वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1620 मतों से हराया, तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ क्या है। ये इलेक्शन में भी कुछ सब टाइप होते हैं, तो मैंने कंप्लीट इलेक्शन अपना रूट चैनल पे पढ़ा दिया है, वहां से आप इलेक्शन का वीडियो देख सकते हो और अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो सिर्फ इलेक्शन के, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ टाइप दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले मान लेते हैं जो उसके पास वो रहा, टोटल वोटर लिस्ट रही वो एक्स की रही, इसमें से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 10% यानी 1/10 यानी कि 9/10 लोगों ने तो मत डाला होगा, बोलोगे बिल्कुल ठीक, मत जो डाले गए उसी में से 10% अवैध हो गए, तो 10% जब अवैध हो गए, मैंने कहा जो वैध रहे वो कितने रहे होंगे, 9/10 रहे होंगे। अब फिर हार जीत किसमें होती है, वैध मतों में होती है, तो इतने अपने पास वैलिड वोट है, विजेता ने वैध मतों के 54%। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ वैध मतों के लिखा है, एक लाइन सिर्फ बदल देता तो अपना आंसर भी कॉन्सेप्ट भी सब बदल जाता, यहां सिर्फ लिख देता कुल मतों के 54%, तो यहां से लैंग्वेज का भी बहुत फर्क है। यहां तो खैर वैध मतों का बोला, तो अपने पास वैध मत कितने हैं, बोलोगे वैध मत इतने हैं, इसमें से ये 54% प्राप्त किया, जब एक बंदे ने 54% प्राप्त किया, दूसरे बंदे ने कितने प्राप्त किए होंगे,
वो लोग अगर ये 54 प्राप्त किया तो वो 46% प्राप्त किया होगा, क्योंकि टोटल कितना 100% होती है, कोई चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहां से कितने मतों से हराया इसको, बोलोगे 54 से 46, यानी 8% से हराया, यानी कि 8% से हराया। तो मैंने कहा ये 8% की वैल्यू कितनी है 1620, 8% की वैल्यू कितनी है 1620। सॉल्व करेंगे और अपना आंसर भी निकाल लेंगे। देखो ये बनेगा 9981, 81 से कटेगा ये दो बार में, यानी कि 20 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, 4 से काट देते इसको दो बार में, 4 से काट देते इसको 5 बार में, 5 से काट लेते इसको 5 बार में, यहाँ से 5000 वहां से 5, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा अपना 25000। वहां जो मतदाता लिस्ट थी उसमें 25000 लोग थे और 25000 ऑप्शन नंबर अपने बी में गिवन था। तो ये एक इलेक्शन का टाइप पूछता है, वो आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला है, अब ये आ गया वैल्यूम में सक्सेस इशू। सारे के सारे टाइप आपको मिलने वाले हैं वैल्यूम में सक्सेस इशू। देखो यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी ऊंचाई में 3.5 यानी 33 / 1/3% की वृद्धि कम हो जाता है, तो इसके आयतन में, यानी कि बेलन का त्रिज्या, सबसे पहले आप बताओ जो बेलन का आयतन होता है वो आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि रेडियस का तो आप स्क्वायर करते हो, त्रिज्या को आपको वर्ग करना होगा। तो 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि यानी कोई चीज 5 से 6 होगी। मैंने कहा इसका स्क्वायर करना होगा, 5 का स्क्वायर कितना कर दोगे 25, 25:36, और फिर यहाँ ऊंचाई में 33/1/3, 33/1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है बोलोगे, 33/1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। 3 पे 1 की कमी आ जाएगी, 3 पे 1 की कमी यानी 3 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल नेट चेंजमेंट कितना हुआ बोलोगे, 25 × 3 = 75 और 36 × 72 इतने से इतना हो गया। क्या 3 से कट रहा है, काट लेते हैं, 25 की कोई चीज थी और यहाँ से 24 में चली गई, 1 की कमी आ गई कितने पे 25 पे। तो 1/25 अपना कितना होता है 4%, उसके आयतन में 4% की कमी आ जाएगी, तो 4% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे देखते हैं, ये सारे के सारे टाइप आपको देखना है, जहां के भी आपको अपने लगता है कि नहीं आप इसमें लैग कर पा रहे हो तो आप इसको रिवीजन करो, आप इसको पढ़ो, क्योंकि यही एक सीखने का टाइप होता है कि अपनी कमियों को पहचानो। और आपकी कमियों को पहचानने वाले का सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने आपको सारे टाइप से एक ही वीडियो में रूबरू करा दूं, वो चीज मैंने करने की कोशिश की है, वही मैं कर रहा हूं। तो आप इसको देखो, लगता है आप कमजोर हो, आपका टाइप ये आपको नहीं आ रहा है तो कंप्लीट पढ़ लो, वक्त है पढ़ने का, पढ़ो, यही तो करना है। जब आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली करोगे तभी वो चीजें आपकी इंप्रूव हो पाएंगी और तब वहीं से आप आगे भी बढ़ते जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये जो भी हमारा रेडियस में चेंजमेंट होगा उसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो चलो अब मैंने इतना बताया, आप इसको करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 kg कम खरीद सकती है, 5 kg कम खरीद सकती है। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, बहुत अच्छा पूछता है ये। सबसे पहले वो पहले भी 200 रुपए लेके जा रहा था, आज भी 200 रुपए लेकर ही मार्केट जा रहा है। तो जब एक महिला है 200 रुपए लेके कल भी जा रही थी, 200 रुपए लेके आज भी जा रही, यानी खर्चा तो उसका सेम है ना, यानी 200 का नोट कल भी जेब में था, 200 का नोट आज भी जेब में, खर्चा तो वो 200 ही करने वाली है। तो मैंने अभी जस्ट बताया अगर खर्चा सेम है तो आप 1/1 लिख लो और इसके बाद इसमें से 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 4 से 5 हो रहा है, तो खपत में क्या चेंजमेंट आएगा, यानी कि C1 से C2 में क्या फर्क आएगा, अभी डायरेक्ट भी मैं आपको सिखा ही दूंगा। 5 से 4 हो गया, यानी कि पहले अगर कंजम्पशन C1, पहले अगर कंजम्पशन अपना C1 5 यूनिट रहा तो आज कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। कह रहा है कितने की कमी आ गई, 5 kg की कमी आ गई। तो 5 kg कमी यानी 1 यूनिट की कमी आई, 1 यूनिट बराबर अपना कितना है बोलोगे, 1 यूनिट बराबर है, 1 यूनिट बराबर अपना 5 kg है, 1 यूनिट बराबर 5 kg, यानी कि तो पहले अगर 5 यूनिट कर रहा था यानी कि वो 25 kg की खपत कर रहा होगा, आज वो 4 यूनिट कर रहा है यानी 20 kg की, 5 × 4 20 kg की खपत कर रहा है। तो बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, पहले कल तक वो 25 kg ला रहा था 200 रुपए में,
आज वो 20 केजी ला रहा है 200 रुपए में, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी का बोलोगे 200/20 और 200/20 करोगे कितना आ जाएगा 10, तो 10 रुपए प्रति केजी इसका बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। अब आपको कैसे करना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए, जैसे ही आपने देखा खर्चा सेम है, खर्चा सेम है, जैसे ही खर्चा सेम है यानी कि जो अपना कीमत में चेंजमेंट होगा, कीमत में 4 से 5 हुआ तो अपना खपत में क्या चेंजमेंट, इसका रिवर्स हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। कितने कमी आई, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट कमी किसके बराबर है, 5 केजी के बराबर है, यानी कि पहले वो अगर 25 केजी कर रहा होगा 5×5, आज वो कितना कर रहा होगा 5×4 यानी 20 केजी, और 20 केजी 200/20 प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो आप 200/25 करोगे तब वहां 8 रुपए प्रति केजी आंसर आता, क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है तेल का मूल्य 25% से बढ़ता है, अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ा देता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा कितने प्रतिशत कम करेगा, यानी कंजम्पशन कितने परसेंट कम करेगा। मैंने कहा खर्च किस पे डिपेंड होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत इंटू खपत पे, कीमत इंटू कंजम्पशन पे, तो खर्चा मेरे भाई जब 10% से बढ़ा, यानी खर्चा अगर पहले 10 रहा होगा तो आज वो 11 करने लगा, कीमत में 25% से बढ़ता है यानी कोई चीज 4 की रही होगी तो वो अब 5 की मिल रही होगी। कंजम्पशन वन अपन को नहीं पता, कंजम्पशन टू अपन को नहीं पता, तो लिख लिया कंजम्पशन वन कुछ रहा होगा, कंजम्पशन टू कुछ रहा होगा। इसको इधर लाएंगे तो 50 से कोई चीज कितनी हो गई 44, 50 से कोई चीज कितनी हो गई 44, तो कितने की कमी कर दिया बताओ, बोलोगे 6 की कमी 50 पे, 6 की कमी 50 पे गुड़े 2 गुड़े 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो 50 गुड़े 2 करें यानी 50 से इसको दो बार में निकालेंगे, 6 गुड़े 2 यानी 12%, तो 12% इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी देखा जब खर्चा सेम होता है तब उसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब खर्चा भी चेंजमेंट हो जाए, खर्चे में भी परिवर्तन आ जाए तब उसको आप ऐसे टैकल कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है भिन्न वाला आ गया, फ्रैक्शन से जो पूछता है भिन्न के अंश को 25% से कम कर दिया जाए और हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है। देखो 25% कम कर दिया जाए, मान लेता हूं मैं शुरुआत में भिन्न अपनी 100/100 की रही, शुरुआत में भिन्न अपनी 100/100 की रही, भिन्न अपनी कितने रही तो बोलोगे 100/100 से रही, अंश में 25% कमी कर दी, 100 से 25% कमी करेंगे कितने आ जाएंगे 75 में आ जाएंगे, इसमें क्या जाए 25% की कमी कर दी। अब यहां से यहां जाने में हर में क्या हो रहा है 25% बढ़ा दिया, मैंने कहा बढ़ा दो आप 25% बढ़ाया कितना हो गया 125 हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपसे कह रहा बताओ नया भिन्न मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है, मूल भिन्न कितना था 1 यूनिट का, ये कितना आ जाएगा 25 से काट लेंगे 25 × 75 25 × 105 3/5 यानी ये इधर 5 आ जाएगा, तो 5:3 आ गया, 5:3 आ गया, देखो कितना हो गया 5:3 यानी कोई चीज 5 से 3 हो गई। कितने की कमी आई, 2 की कमी आई, और 2 की कमी किस पे 5 पे, 2/5×100 करेंगे आंसर कितना आ जाएगा अपना 40%, 40% इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आपके सामने भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा तब उसको कैसे करोगे, तब आप उसको इस टाइप से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन अपने पास ही है, तो आप देखो एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन मैंने पीछे देख लिया है, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखो क्या कहता है, एक पुरुष ने फॉल्ट बेस पे आ गया, यानी कि जो गलतियां होती हैं त्रुटि कितनी हुई वो चीज देखना है। कह रहा है एक पुरुष ने एक संख्या का 5/8 के स्थान पर 8/5 का गुणा करा दिया, तो गणना में बताओ प्रतिशत त्रुटि कितनी है, क्या लिखा है नंबर 5/8 और 8/5। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए, 8 और 5 का आप एलसीएम ले लो कितना आएगा, 8 और 5 का एलसीएम आ गया 40, तो 40 को हमें 5/8 माना, नंबर अपना कितना है 40, तो हमारा अगर 40 को 5/8 कराते तो अपना आंसर कितना आता, 8 से कटता 5 बार में 25 आता। अब लेकिन मैंने क्या किया, इस 8/5 यानी 40 को 8/5 से गुणा करा दिया, नहीं कितना आ जाता 5 से कटेगा ये 8 बार में 64 आ जाता,
तो कितना त्रुटि हुई, 25 आना चाहिए था, 64 आ रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो गई बताओ आप हमें। बोलोगे 64 से 25 यानी कि 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा, 5 में 2 जाएगा 3, 39 की वृद्धि हुई, 25 पे गुड़े 4 कर देंगे, गुड़े 100 कर देंगे, 25 चौको 100 आ जाएगा, 9 चौक 36 और 156% करेक्ट आंसर। तो फॉल्ट बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो कि फॉल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए, तो फॉल्ट बेस्ड के क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना चाहिए। आगे देखेंगे सारे के सारे टाइप हो जाएंगे। अब ये भी आता है अपना, 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी थी को धूप में रखा गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% ही पानी था, तो अंगूरों का कुल घटा हुआ भार ज्ञात करो। ये अंगूर में भी पूछता है, ये आपकी जब चीनी की चाशनी आप तैयार करते हो वहां भी पूछता है, ये आपके नमक के घोल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कहने का मतलब उसका यह है कि जैसे कि कोई चीज आपने, जैसे यहाँ पे क्या है अपना 15 किलो अंगूर है, अंगूर को आपने धूप में रखने के लिए सुखाया, तो सूखेगा क्या उसका, बोलोगे पानी सूखेगा, यानी उसका जो पल्प रहेगा, उसके जो मेन रॉ मटेरियल रहेगा वो तो सेम रहेगा, वो तो कभी सूखने वाला नहीं है ना, यानी कि जब देखो अंगूर को जब सुखा रहे हो तो सूखेगा तो पानी सूखेगा। तो मैंने कहा जब 15 किलो अंगूर थे तो उसमें 90% पानी था, 90% सामग्री पानी की थी, यानी 10% उसकी क्या रही होगी, पल्प रहा होगा, यानी उसका गूदा रहा, 10% उसका पल्प रहा होगा, सूर्य के प्रकाश में जैसे ही रखा तो अंगूर के कुल वजन का 85% पानी था, यानी अब हमें वजन नहीं पता। तो मैंने कहा वजन रहा x, इसमें 85% पानी हो गया, यानी पल्प अपना कितना रहा, 15% रहा। सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, बोलोगे परसेंटेज से अपना परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 से 15 भी कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया अपना 10 kg, तो 10 kg रहा है जो हमारा नया आया है, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिखाते हैं आपको, आगे आपके सामने एक और फॉल्ट का क्वेश्चन है जिसको आप करोगे, आप देखोगे, आप पहचानोगे और इसका आंसर बताओगे। आगे देखते हैं, आगे फिर अपना है, तो आज की क्लास में मैंने डिस्कस कर लिए सारे के सारे वो टाइप जो परसेंटेज से आते हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जिससे आगे भी एग्जाम में आने की उम्मीद है। वन वीडियो में मैंने कंप्लीट परसेंटेज देख लिया है, अब आपको परसेंटेज की सिर्फ रिवीजन करना है, तो इससे कर लो। अब आपको इस वीडियो को, अगर जहां पे भी आपको लगा होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, ये टाइप हमारा वीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी सोच डेवलप नहीं हो पाती है, तो अब आप चुपचाप इस वीडियो को बंद करो और जाने, इसके जाने के बाद आपका जो टाइप वीक है, जो टाइप आपका वीक रह गया है, उसको जाके फिर से मजबूत कर लो, फिर से उस पर 2-4-5 क्वेश्चन लगा लो बस। तो ये फिर रहता है अपना, जो भी चाहता है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, बहुत आसानी से वो मैथ सीखना चाहता है कि मैथ उसको नहीं समझ में आती, मैथ पढ़ना लिखना बोलना या कुछ भी नहीं आता मैथ में, तो वो आ सकता है इन बैच में, यानी कि मैथ अर्थमेटिक मैथ फाउंडेशन बैच है, एडवांस मैथ फाउंडेशन बैच है, दोनों इंडिविजुअल बैच है। ये 8 जनवरी से अपने रूट एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सारी की सारी वही चीजें रहने वाली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैलिडिटी अपनी 1 साल तक रहने वाली है। कोई भी क्वेरी आती है तो आप व्हाट्सएप एंड कॉल कर सकते हैं। अपने आज की वीडियो में मैंने सारी चीजें देख ली, एक बार मैं आपको वो फिर से दिखाना चाहूंगा कि आप भी अगर लास्ट में एक चीज आप अपने पास जरूर नोट डाउन करके रखो, वो क्या है, ये चीज, ये आपके पास होना चाहिए। इससे आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि आपको परसेंटेज में पढ़ना कितना है, परसेंटेज किस किस टाइप को आपको पढ़ना है। आपको बार बार वीडियो भी ना देखनी पड़े, आप सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करें, अपने क्लास नोट्स रिवाइज करें, उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पेन कॉपी में इसको नोट कर लो, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मुझे भी पता है लास्ट टाइम अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है, लास्ट टाइम स्टूडेंट को क्या चीज मिलनी चाहिए ऐसी, तो उस पर ही अपन काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना, और आज की वीडियो में अपना इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, एक वीडियो होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो बाय बाय, जय हिंद।